को हटाना हो या कट करके कहीं और दूसरी जगह पेस्ट करना हो, तो आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे किसी ऑडियो के अंदर से किसी साउंड को कट किया जाता है और किसी साउंड को कॉपी करके या कट करके किसी दूसरे जगह पर कैसे ऐड किया जाता है। तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप भी अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक वाले बटन पर क्लिक करें, क्योंकि हमें भी मोटिव मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हमें सबसे पहले ओडासिटी को ओपन करना होगा। यह वीडियो सिर्फ पीसी के लिए है, ना कि एंड्रॉयड फोन्स या फोन्स के लिए है। तो सबसे पहले आपको ओडासिटी ओपन करना होगा। अगर आप ओडासिटी के बारे में नहीं जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं ओडासिटी को डाउनलोड या इंस्टॉल करना, तो मैं आपको ऊपर आई बटन में ओडासिटी को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना वीडियो दे दिया हूँ। वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे ओडासिटी को डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें उस ऑडियो या साउंड को यहाँ पर लाना होगा जिसे हमें कट या पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे फाइल और इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और ऑडियो। इसके बाद जहाँ पर भी हमारा ऑडियो है उसे सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे डेस्कटॉप पर इस नाम का ऑडियो है, तो सिंपली हम इसे ओपन करेंगे तो हमारा ऑडियो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो चलिए हम आप लोगों को इसे सुनाकर दिखा देता हूँ। चलिए आप लोगों ने तो ऑडियो सुन ही लिया, और इसे कैसे हम कट करेंगे। सबसे पहले हमें इस वाले बटन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आकर हमारा माउस का कर्सर जब तीर वाले से आई में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा और एक लाइन ड्रॉ होगा। तो उसे जहाँ तक हमें किसी ऑडियो को कट करना होगा तो वहाँ तक हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ तक सेलेक्ट किया, हमें यहाँ तक का ऑडियो को कट करना है। उसे पहले हम सुन लेते हैं इसे, ठीक है। इसी पर आकर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस का तो हमें कट कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमें सिंपली यहां से अभी तो हमें कट करना है, तो सिंपली हम कट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑडियो यहां से कट हो गया है। तो चलिए हम इसे यहां पर पेस्ट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक कर और फिर लेफ्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो हमें पेस्ट कर देना है। तो हमारा ऑडियो यहाँ से पेस्ट हो गया है। चलिए हम सुनते हैं, यहाँ आ गया। और अगर इसी ऑडियो को हमें कॉपी करना होगा तो सिंपली यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके कॉपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे और ये हमारा ऑडियो कॉपी हो गया, ना कि यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ यह इसका डुप्लीकेट बन गया है और इसे जहाँ चाहे वहाँ हम पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और फिर लेफ्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो हमारा ऑडियो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ऑडियो और MP3 में सेव करना है तो सबसे पहले हमें फाइल बटन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद एक्सपोर्ट, उसके बाद एक्सपोर्ट एज MP3 पर क्लिक करना होगा। और जहाँ भी हमें इस म्यूजिक को सेव करना होगा उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसका नाम दे देंगे। जैसे मान लेते हैं जैसे म्यूजिक लिख दिया, उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करना होगा और फिर से, और ये जो हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो इसमें आर्टिस्ट का नाम, ट्रैक टाइटल, एल्बम टाइटल, ट्रैक नंबर,
एयर, जनरल, कॉमन इत्यादि को लिखा जाता है, तो इसे हम छोड़ देते हैं ब्लैंक और सिंपली हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारा ये सेव हो गया है। तो चलिए हम इसे पहले सुनते हैं। तो हमारा ये म्यूजिक वाला फाइल यहाँ पे आ गया है, सुनते हैं इसे। और लास्ट में भी था, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें।